नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडियाओं की। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आजकल जब भी बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ सबसे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई बाद में करें। लेकिन आज की इस बढ़ती और टेक्निकल जनरेशन में बच्चे कॉलेज जाने तक का वेट तक नहीं करते हैं। वह स्कूलों में भी अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू कई लोगों से दोस्ती करते हैं और कई लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं, चाहे वो अनजान क्यों ना हो, और साथ ही उनके व्यवसाय को जाने बगैर उनसे अपनी हर बात को शेयर करते हैं, बिना उनके बारे में जाने कि वो आखिर इंसान है कैसा। ऐसे में कई जगहों पर हम देखते हैं कुछ एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक अकाउंट आजकल हर कोई बनाता है और एक ही नाम से कई फेसबुक अकाउंट भी बनाए जाते हैं, और एक इंसान अपने नाम के कम 4 से 5 अकाउंट बनाता है और उसमें से आधे से ज्यादा फेक होते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी असली पहचान इसमें नहीं दिखाना चाहता। और कई जगहों पे फेसबुक को एक लिंक बना लिया गया है वारदात करने के लिए। इसी तरीके से जब भी आप अगर अनजान लोगों से दोस्ती कर रहे हैं फेसबुक पे, तो हमेशा सावधान रहें, उसे अपने बारे में कुछ डिटेल ज्यादा ना बताएं। इसी के चलते कुछ वारदातें भी सामने आई हैं। जब भी आप इस तरह से दोस्ती करते हैं तो अपने बारे में आपको बताता है और आप अपने बारे में उसे बताते हैं। आप जब भी किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो आप एक दूसरे को जानने के लिए एक दूसरे के बारे में पूछते जरूर हैं। आप एक दूसरे को अपने बारे में कुछ बातें बताते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो बता रहा है वो सच है? क्या आप उसके साथ लॉयल चल रहे हैं? क्या वो आपके साथ लॉयल चल रहा है? फेसबुक पे होने वाला प्यार भी कुछ इसी तरीके से चलता है। वो अपने बारे में जो भी बताता है हम उसे वहीं तक सीमित रख लेते हैं, लेकिन ये प्यार कहां तक सामने रहता है? जी हाँ, इसी तरीके से लोग लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उन्हें वारदातों से मोहित करवाते हैं। वह उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं, 2-4 प्यार भरी बातें करते हैं और लड़कियां उनकी बातों में फंस जाती हैं। ऐसी तरह से कई वारदातें भी सामने आ चुकी हैं। अपने फेसबुक फ्रेंड से मिलने व प्यार से मिलने के लिए लड़कियां जाती हैं और उन्हें उसी जगह पे वारदात का शिकार होना पड़ता है, साथ ही उनकी मौत भी हो जाती है। इसी तरीके से जब भी आप अपने किसी भी फेसबुक फ्रेंड से बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आप उसे अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ना दें, तब तक जब तक आप उसके बारे में ठीक से कंफर्म नहीं है, क्योंकि अपनी जानकारी इस तरह से शेयर करने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। फेसबुक पे लोग अपने कई नकली आईडी बनाते हैं और लोगों को अपने बारे में झूठी बातें भी बताते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंसान सच बोल रहा है कि नहीं, वो सिर्फ अपने काम की वजह से आता है। इसी तरह से जब हम उनसे अपनी फोटो वगैरह शेयर कर लेते हैं एक दूसरे को देखने के लिए, तो वो उन फोटो का भी मिसयूज कर सकता है। वो उन फोटो को किसी भी गलत वेबसाइट या सोशल मीडिया पे अपलोड करके आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसीलिए हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।